पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। साक्षरता कार्यक्रमों के सहारे देश के दूर दराज के हिस्सों में बैठे हजारों निरक्षर लोग अपनी सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। देश की साक्षरता दर की बढ़ोतरी के लिए न जाने कितने ही प्रयास किए जा चुके हैं और ये प्रयास निरंतर जारी हैं। आज इसी का असर है कि देश में 15 से 35 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता से जोड़कर साक्षर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसी एक कोशिश जो की जा रही है एक ऐसी जगह जहां शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन निरक्षर कैदियों की जो शायद अपनी निरक्षरता के चलते ही जेल की चार दीवारियों के बीच पहुंच गए। जिला साक्षरता समिति रायबरेली ने रायबरेली जेल में साक्षरता केंद्र खोलकर निरक्षर कैदियों को साक्षर करने की शुरुआत की। आज इन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। मगर ये कोशिशें हैं क्या, कैसे कैदियों को साक्षर किया जा रहा है, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा रायबरेली की जिला कारागार में, जहां पर न जाने कितने ही निरक्षरों को साक्षरता के सहारे उन्हें सही रास्ते पर लाने के प्रयास जारी हैं। हमारी छोटी सी जिंदगी में हर कदम कुछ ना कुछ घटता रहता है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा। इस अच्छे बुरे के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम स्वयं ही होते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कई चीजें हमारे एक गलत काम की वजह से हमें बहुत पीछे लिए जाती हैं। एक गलत कदम हमारी जिंदगी में बदनुमा धब्बा लगाकर चला जाता है। लेकिन ये गलत कदम अक्सर कई बार अनजाने में भी उठता है और कई बार हम जानबूझकर कुछ गलत कर गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद वो कानून की पकड़ में आकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। हम बात कर रहे हैं जेल की, जहां सजा के तौर पर इन अपराधियों को रखा जाता है, और जब तक अपने किए गए अपराधों की सजा ये पूरी नहीं कर लेते, ये लोग बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन क्यों ये जेल तक पहुंच जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो है इन लोगों का निरक्षर होना। क्योंकि अगर ये लोग साक्षर होते तो शायद ये जुर्म और अपराध की दलदल में नहीं फंसते, कानून को हाथ में कभी नहीं लेते और ना ही इस चार दीवारी में कैद होकर सालों अपने किए गए गुनाहों की सजा काटते। इस सब का कारण एक ही रहा, इनकी निरक्षरता। इन चेहरों में कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने किए गए अपराधों का पछतावा जरूर है कि काश मैं भी आम इज्जतदार इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकता। अपनों से दूर पड़े हैं इन काल कोठरियों के भीतर और अपनों से दूर होने के दर्द ने ही इन्हें तोड़ कर रख दिया है। आज ये उस वजह उस कारण को अपने भीतर से खत्म करने में लगे हैं जिसके चलते ये यहां तक पहुंच गए। दोबारा कभी इस रास्ते पर ना आकर अपने आप को एक नेक रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, अपने नाम को इज्जत दिलाना चाहते हैं। ये लोग अपने अंदर बैठे निरक्षरता जैसे रावण को मारकर अपने आप को साक्षर देखना चाहते हैं। इसमें इनको मदद मिली जिला कारागार के अधिकारियों के साथ साथ जिला साक्षरता समिति की, जिसके चलते सितंबर 2006 को सतत शिक्षा केंद्र का उद्घाटन जिला कारागार में किया गया। मकसद यही था कि कोई अपराधी जब अपराध कर जेल में बंद हो जाता है और अपने घर द्वार, परिवार और रिश्तेदारों से दूर होकर सजा काटता है तो निश्चित ही नेक काम करने की ख्वाहिश उसके दिल के किसी कोने में जरूर जागती है। ऐसे में निरक्षर कैदियों की निरक्षरता को दूर करके उन्हें साक्षर बनाने की कोशिशें शुरू की गईं और आज ये कारगर भी हो रही हैं। जेल में न जाने कितने ही कैदी अपनी निरक्षरता को दूर कर पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सीखकर जेल से रिहा हो चुके हैं। क्योंकि इस जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए लोग
निरंतर आते जाते रहते हैं। कारागार में अधिकतर जो अपराधी आते हैं वो अशिक्षा के कारण इन अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और उनका इस रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा एक आदमी को समझ देती है, समझदारी देती है, और कारागार में शिक्षा बहुत उपयोगी है। एक संदेश पूरे जनपद में जाता है, हम यहाँ से लोगों को प्रेरित करते हैं। मगर आज इन कैदियों में साक्षरता के प्रति अलग ही रुचि देखने को मिलती है, क्योंकि हर कैदी समय से साक्षरता कक्षा में पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कैदियों का अकेलापन तो दूर होता ही है, उसके साथ साथ अच्छी अच्छी बातें पढ़कर एक शांति सी मिलती है। जो समय कभी रो रो कर गुजारना पड़ता था, वो समय आज ये किताब पढ़कर गुजारते हैं। हर कैदी में एक अद्भुत बदलाव आया है और हर कैदी ये मान चुका है कि इसके अपराध का कारण एक ही है, इनका निरक्षर होना। जो हमसे जुल्म हुआ है वो हमारे, जब हम शिक्षित नहीं थे तो हमें, जब हमसे जुल्म हो गया, अब हम शिक्षित हैं तो हमसे कोई घटना होने की संभावना नहीं। निरक्षरता को दूर करने के साथ साथ इन कैदियों की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले जीवन में दोबारा ये कोई अपराध ना कर सकें और इन चार दीवारियों से अपने आप को बचा सकें। ये कैदी जेल में हर काम समय से करते हैं, खेती करते हैं और अपनी जेल के साथ साथ उनके द्वारा उगाई गई सब्जी को ये लोग बाहर भी भेजते हैं। इन कैदियों में जो परिवर्तन धीरे धीरे हुआ करते थे, आज साक्षर होने के बाद बहुत तेजी से हो रहे हैं। इन्हीं कक्षाओं से जाने के बाद एक बेहतर समाज बनाने और एक बेहतर समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं ये, और अपने आप को एक साक्षर व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे हर व्यक्ति के भीतर एक बेहतर इंसान छिपा होता है जिसे वो देख नहीं पाते और उनकी बुराइयां उन पर हावी हो जाया करती हैं, ठीक उसी तरह आज ये अपने भीतर बैठे उसी बेहतर इंसान को जगा चुके हैं, ताकि आने वाले समय में ये एक मिसाल पेश कर सकें। न जाने कितने कैदी जिन्होंने तो अपना बचपन ही इस कैद में दफन कर दिया है और आज उस बचपन को ये लोग इन कक्षाओं में तलाश रहे हैं। इन कक्षाओं में पढ़ने के बाद कुछ कैदी अपनी जिंदगी का थोड़ा सा वक्त खेलों के नाम भी कर देते हैं, और जेल में ही ये कैदी कोई ना कोई खेल खेल कर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग इन सब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, पढ़ना लिखना, जेल के बाकी काम करना और अगर फिर वक्त मिले तो खेल का मजा लेना। ये लोग साक्षर हो रहे हैं और अपने जीवन को एक आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कभी आगे चलकर ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। हम जो है आगे चल के कुछ अच्छा काम करेंगे, कि जैसे कोई भी काम हो तो अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे और सबको शिक्षा अलग से देंगे। हर कैदी साक्षरता के स्वाद को चख चुका है और ये भी मान चुका है कि जो मजा शिक्षित होने में है वो शायद कहीं नहीं। वो शिक्षा ही है जो हमें पशुओं से अलग करती है। जिस कैदी ने भी शिक्षा के महत्व को समझा, उसके बाद उसने यही माना कि शिक्षा जैसी चीज का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और आज हर कैदी जेल से छूटने के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहता है। ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं बल्कि साक्षर हो रहे सभी कैदियों की है, जिससे अपने आप को बेहतर बनाया जा सके। जब यहाँ पर मास्टर साहब आए, मुझे जो बच्चों जो पढ़ाने लगे, तो मैंने भी सोचा मैं भी पढ़ूँ। मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बिल्कुल अनपढ़ था, और पढ़ने से मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन लगने लगा। मुझे जेल नहीं जाना पड़ा, मैं जेल काट रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि मैं जब भी बाहर जाऊँगा मैं पढ़ूँगा, खूब पढ़ूँगा, और अब और भी अपने भाई बहन को मैं पढ़ाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा वो पढ़ लिख जाए। ये शुरुआत कोई मामूली काम नहीं है। जिस तरह ये अपराधी अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहते हैं, वो भी साक्षरता के माध्यम से, ऐसा सोचने पर इन कैदियों को मजबूर किया जिला साक्षरता समिति ने, जिसमें भरपूर सहयोग मिला जेल अधीक्षक और बाकी अधिकारियों का, जिन्होंने इसे शुरू करवाने में भरपूर सहयोग दिया। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में ये निरक्षर कैदी अपने जीवन को एक अलग दिशा देने में जरूर कामयाब होंगे। साक्षरता के जरिए आज इन कक्षाओं ने निरक्षर कैदियों में एक ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश की है जो आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा। अब बहुत मुमकिन है कि ये कैदी अपने जीवन में कभी भी वो गलती नहीं दोहराएंगे जिसके चलते आज जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर वो मजबूर हैं। कैदियों के सोच में आए बदलाव दिखाई भी दे रहे हैं। ये तो रही कैदियों की बात, मगर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव की महिला सायमती मालवीय ने साक्षरता से जुड़कर वो कर दिखाया जो ये गांववासी वर्षों तक नहीं भूल सकते।
सायमती मालवीय जो ग्राम पीपल हेला राजगढ़ की रहने वाली हैं, मजदूर वर्ग की इस महिला ने साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर गांव की न जाने कितनी ही निरक्षर महिलाओं के जीवन को बदल कर रख दिया है। तो सायमती ने ऐसा क्या बदलाव किया, आइए चलते हैं पीपल हेरा और मिलते हैं सायमती से। ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है पीपल हेला। ये उस समाज के लोग हैं जो हमेशा से ही पिछड़ा रहा है, यानी हरिजन समाज। और इनके पिछड़े होने की खास वजह रही है इनकी निरक्षरता। इन लोगों की जिंदगी भी गरीबी और मुफलसी का शिकार है। रोज ही मजदूरी करना और रोज पेट भरना, फिर चाहे आप पुरुष हो या महिला, ये बात मायने नहीं रखती। क्योंकि सवाल सिर्फ यही था कि पेट भरने के लिए काम करें या फिर पढ़ें। मगर कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक चमकती सुबह जरूर आती है। वो सुबह आई जब इस गांव में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, और इस गांव की किस्मत बदलने का काम एक ऐसी महिला ने किया जो इन्हीं के पीठ से है। ये कहानी है उसी गरीबी और मुफलिसी में पली पढ़ी महिला की, जो पिछले 12 साल से साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़कर साक्षरता कक्षाओं के सहारे अपने समाज के लोगों के साथ साथ गांव के बाकी निरक्षर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिशों में लगी है। सायमती मालवीय इसी गांव की बहू है। सायमती शिक्षित थी और वो शिक्षा के महत्व को समझती थी। गांव की कोई भी महिला और पुरुष अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं था। सायमती ने सोचना शुरू किया कि काश मैं इनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती। जब 1995 में साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, गांव-गांव तक साक्षरता कार्यक्रमों को पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान पीपल हेला गांव में इसकी शुरुआत हुई तो सायमती ने बिना देर किए इस अभियान से जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। मगर इस गांव और समाज की परंपराओं के चलते शायद ये मुमकिन होना मुश्किल था। फिर भी सायमती ने बिना देर किए अपने पति और सास के सामने इस कार्यक्रम से जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। पहले तो समाज के डर से सायमती की सास ने एतराज किया, मगर सायमती के समझाने पर वो मान गईं। मैंने उनसे कहा कि माँ अपन पढ़े लिखे हैं और अपने कहेंगे अपन कोई बुरा तो काम नहीं कर रहे, मतलब जो नहीं पढ़ सके उनको अपन ये सोच रहे कि पढ़ा लिखा कि उज्जवल उनका भविष्य बने, अपन अंधकार में नहीं रहे। मैंने उनको ये बताया तो इस कारण उन्होंने सोचा कि ठीक है। बोले मेरा घर से उसने सोचा कि मैं 2 घंटा पढ़ा दूं भाई बहन को, मैं पढ़ा दे अच्छी बात है वो तो। सायमती ने अपने बुलंद हौसलों और समाज की दकियानुसी परंपराओं को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर ये इतना आसान नहीं था जितना सायमती ने सोचा था। गांव की महिलाओं को साक्षरता कक्षाओं तक लाना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। महिलाओं की शंका भी थी, और वो भी कहीं न कहीं जायज थी कि इन कक्षाओं में आने और अब इस उम्र में पढ़ने से क्या होगा। मगर फिर भी सायमती ने हार नहीं मानी और लगातार वो काम करती रही। धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को समझाया, उन्हें वो सच दिखाया जिससे ये ग्रामीण महिलाएं अनजान थीं। धीरे धीरे महिलाओं में जागरूकता आई और एक एक कर महिलाओं ने साक्षरता कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। सायमती ने गांव की जितनी निरक्षर महिलाओं को सर्वे कर चयन किया था, एक एक कर सभी ने सायमती से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी हमारे गाँव में मैंने अभी सर्वे किया था, राजगढ़ में हमारी ट्रेनिंग थी, भोपाल के सराय थे वहाँ से, तो कि गांव के सर्वे कर, तो मैंने पूरे निरक्षर की डबल से सर्वे की, तो मतलब 70 महिलाएं और 5 पुरुष, 75 कुल आए, उसमें से 20 महिला की अभी क्लास चल रही। सायमती ने यहां से अपना ये सफर शुरू किया जो आज तक जारी है। सायमती ने अपनी मेहनत और मजदूरी के साथ साथ घर बार की सारी जिम्मेदारियों में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। वो सबको साथ लेकर साक्षरता केंद्र को चलाती रही। समय समय पर वो जिला साक्षरता समिति द्वारा प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ती रही। जब महिलाओं में निरक्षरता को देखते हुए महिला पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब सायमती मालवीय ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया और बहुत सी महिलाओं को साक्षर किया। सबसे बड़ी परेशानी हमारे घूंघट की है और कोई परेशानी नहीं, और गांव वालों को बुजुर्ग, क्योंकि हमारे जो सूर है ना, हमारी सास वगैरह, बूढ़ी सास, बड़ी सास,
तो उन लोग हमेशा क्या किया कि सुबह से शाम तक गए, मजदूरी करी और घर में बैठे और कौन सा काम किया। कभी अगर कोई अधिकारी आए तो हम उनके सामने बोल नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते। कैसे बोले कि कही कि गांव में कोई वकील आड़ी है, देखो वहां जाके बोली, ऐसा कहे। इस कारण हम मान मर्यादा के कारण, लेकिन ये भी मान मर्यादा अच्छी नहीं है। गाँव में घर घर जाकर सायमती सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है और वो सभी महिलाओं को साक्षरता कक्षाओं में इकट्ठा कर उन्हें पढ़ाने से पहले उनके घर बार की बातें सुनती हैं। गाने बजाने के माध्यम से भी साक्षरता गीत गाकर वो लोगों को प्रेरित करती हैं। पिछले 12 साल से सायमती का ये सफर यूं ही जारी है। तब से आज तक वो लगभग गांव की 100 महिलाओं को साक्षर कर चुकी हैं और आज भी सतत शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता कक्षाओं का संचालन बहुत ही सफलतापूर्वक कर रही हैं, जिनमें 25 महिलाओं को वो साक्षर कर रही हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सायमती की भागीदारी तो अहम है ही, उनके साथ साथ जिला साक्षरता समिति की योगदान और गांव वालों की भागीदारी भी बहुत अहम थी। मालवी मैडम ने पढ़ाया, 15 साल हो गए पढ़ाते, और अच्छा पढ़ाया। साफ सफाई, लड़का की बच्चों की सबकी साफ सफाई अच्छी तरह रखती हूँ, और मेरे घर पे मेरे सब परिवार भी पढ़े लिखे और सभी हम अच्छे है। सायमती ने जो कोशिशें शुरू की थी आज वो सफलता की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। गांव की हर महिला साक्षर है और वो गांव की डकियानूसी परंपराओं को छोड़कर अपने बनाए रास्ते पर अग्रसर है। आज हर महिला अपने अधिकारों के बारे में बखूबी जानती है, इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी वो एक नया रास्ता दिखा रही है। हर बच्चा स्कूल जा रहा है, घर की साफ सफाई कैसे करनी है ये वो अच्छी तरह से सीख चुकी है। समाज के साथ हर व्यक्ति के उत्थान का रास्ता साक्षरता के द्वार से होकर जाता है। एक बेहतर समाज की बुनियाद तभी रखी जा सकती है जब गांव का हर बच्चा, महिला, पुरुष साक्षर हो। सायमती ने अपने सफर का आगाज तो अच्छा किया है, अंजाम भी बेहतर ही होगा। सायमती मालवीय ने अपने गांव की निरक्षर महिलाओं को जिंदगी जीने के नए रास्ते दिखाए हैं। अगर ये साक्षरता कार्यक्रम यूं ही चलते रहे और सायमती मालवीय जैसी गांव की हर साक्षर महिला अपने गांव की निरक्षर महिलाओं और पुरुषों को साक्षर करने के प्रयास जारी रखे तो देश को साक्षर होते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज देश के हर राज्य और जिलों में इन साक्षरता कार्यक्रमों ने परिवर्तन का काम किया है। बिहार जो बेरोजगारी और निरक्षरता की फेहरिस्त में सबसे ऊपर आता है, मगर आज परिवर्तन वहां भी दिखाई दे रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं कैमूर के एक ऐसे ही गांव बड़हरिया, जहां की महिलाएं जो कभी अपने घर की दहलीज से बाहर तक नहीं आ सकी थीं, लेकिन आज सारी हदों को खत्म कर अपनी सफलता की कहानी लिखने में लगी हुई हैं। फूला देवी और लक्ष्मी देवी ने किस तरह ये सफलता की कहानी अंजाम दी, आइए चलते हैं और देखते हैं बड़हरिया गाँव। कहने को तो हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, मगर बदकिस्मती ये है कि आज भी लगभग 70% जनसंख्या ऐसी है जिसे 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम रकम में अपना काम चलाना पड़ता है। 2005 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो नजर आएगा कि 27.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हम कृषि में ही पिछड़ रहे हैं, जबकि आज भी देश की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है और 75% आबादी उसी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जहां सबसे ज्यादा कृषि का आधार है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सब का कारण एक ही नजर आता है, देश में साक्षरता दर का कम होना। इतना होने के बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम विकास नहीं कर रहे। आज लोग जागरूक हो रहे हैं और साक्षरता से जुड़कर अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार से जोड़ रहे हैं। ऐसी ही हकीकत के सबूत के रूप में हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे गांव की कहानी जहां महिलाओं में अपने आप को आगे ले जाने की होड़ लगी है, वो भी अपनी बचत के जरिए। ये गांव है बड़हरिया, जो जिला कैमूर भभुआ बिहार में स्थित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जब साक्षरता कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ तो इस गाँव में साक्षरता दर का स्तर काफी कम था और खासतौर पर महिलाओं में साक्षरता का स्तर न के बराबर था।
साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ही सन 1 जनवरी 1999 को संपूर्ण साक्षरता की शुरुआत की गई। इस जिले में चिन्हित 2,04,991 निरक्षरों में से 1,91,313 लोगों के हाथ में किताब थमाई गई। इन हाथों में शामिल थी इस गांव की वो महिलाएं भी जो न जाने कब से अंधकार में जीवन यापन कर रही थीं और साक्षरता के मूल से वंचित थीं। गांव की गली गली में महिलाओं की साक्षरता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। 75% से भी ज्यादा जो महिला है अनपढ़ है, बहुत कम ही महिला अनपढ़, बहुत पढ़ी लिखी बहुत कम महिला है। इसलिए हम लोग इस काम में रुचि लिए और हम लोग सोचे कि अपने गांव को महिलाओं को बहुत जरूरी है कि हम लोग इन लोग को थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाएं, ताकि ये अपने भला बुरा के बारे में सोच सके और कुछ कर सके। इसी तरह हमने अपना केंद्र शुरू किए साक्षरता के तहत। पहले 10 महिलाओं को लेकर हम लोग पढ़ाना शुरू किए और 10 महिलाओं के बाद जब हम लोग का प्रेरक का जन्म हुआ तो हम लोग 30 महिलाओं को बुलाकर और पढ़ाना शुरू किया। इन महिलाओं में साक्षरता कक्षाओं में आकर एक अद्भुत परिवर्तन आया। जिस गांव की महिलाएं कभी अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकालने में असमर्थ थीं, आज अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में लगी थीं। एक दूसरे को देखते हुए महिलाओं में एक कंपटीशन सा हो गया और देखते ही देखते साक्षरता कक्षाओं में बेशुमार भीड़ बढ़ने लगी। मगर कुछ समय बाद महिलाओं पर परिवार के ही लोग सवाल उठाने लगे कि इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या फायदा होने वाला है, और आखिर में यही सवाल महिलाओं ने कक्षा में उठाया कि आखिर हमें इससे क्या फायदा होगा, पढ़ने लिखने के साथ कोई और भी लाभ तो मिलना चाहिए। इसी के मद्देनजर इन महिलाओं को पढ़ाने के साथ साथ स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया गया। समूह का जो है कि गठन होना शुरू हुआ बचत करने के बारे में हम लोग को जानकारी हुई और हम लोग के साक्षरता के तहत भी हम लोग का समूह माने के समूह में पता चला कि हाँ समूह बन सकता है, पैसा जमा हो सकता है, बचत अपने खर्चा में अपने घर चलाने के खर्चे में ही हम लोग कुछ बचत करना भी सीखेंगे इस समूह के तहत। महिलाओं को समूह बनाने के साथ साथ उसे चलाने के तौर तरीकों के बारे में भी बताया गया कि कैसे आप हर माह कुछ बचत करके अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती हैं और इतना ही नहीं आगे चलकर कोई व्यवसाय भी कर सकती हैं। इस बात से महिलाओं में रुचि पैदा हुई और वो निरंतर कक्षाओं में आती रहीं। पढ़ने के साथ साथ उन्होंने समूह बनाने और चलाने के सारे तौर तरीके सीख लिए। इसके बाद फूला देवी की अध्यक्षता में महिला समूह कल्याण समिति के नाम से एक समूह का गठन किया गया। सचिव का पद लक्ष्मी देवी को दिया गया, जो समूह को चलाने में अध्यक्ष फूला देवी से भी आगे रहती थीं। सभी ने 20 रुपए प्रति माह इकट्ठा करने शुरू किए। ठीक ठाक पैसा इकट्ठा होने के बाद बैंक में समूह के नाम से खाता खोल लिया गया। अब ये लोग आपस में ही लेन देन करने लगे। जिसे भी बीमारी या किसी और समस्या के दौरान पैसों की जरूरत होती तो वो समूह के अकाउंट से पैसा निकालकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता। 20-20 रुपया जुटा के 3 माह का पैसा एक एक महिला 60-60 रुपया जुटा के इकट्ठा के नहीं जा सचिव साहब के बोला के अब बहुरा आई जी के बैंक बा और सरकारी बैंक में न जाके जमा के नहीं जा। जो हम लोग अपने गाँव में बड़े लोगों को 5 रुपए देते थे, पैसा लेते थे, गरीब महिलाएं पैसा लेती थी और 5 रुपए सूद पे देती थी, 6 रुपए देती थी, 7 रुपए देती थी। आज के डेट में वो महिलाएं सिर्फ अपना पैसा जमा कर रही हैं और अपना ही पैसा निकालती हैं बैंक से और अपने ही पैसे को सिर्फ 2 रुपए सूद देती हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब इन महिलाओं के पास गाँव के सभी लोगों के जवाब थे, जो कुछ रोज पहले तक इनके पढ़ने लिखने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। अब इन लोगों के चर्चे गाँव भर में होने लगे। कितने हंसना शुरू किया, अरे देखा ना लेके रजिस्टर जाते हैं, हाई मीटिंग करिया, हाई देखा हाई देखा हाई मीटिंग कर जाते हैं, हाई हेड साहब बनिया, हाई मिनिस्टर बनिया। लेकिन वो सब जानकारी को लेते हुए भी और हमारे गांव की महिलाएं हैं जो कदम आगे बढ़ाना शुरू की हैं और आज देखिए जहां 2-4 महिला नहीं निकलती थी आज 33 महिला को हम घर से बाहर निकाले हैं। इससे एक फायदा ये हुआ कि जो महिलाएं अभी भी साक्षरता से दूर थीं वो कक्षाओं में आने लगी और समूह बनाने को लालायित दिखी। इस समूह को देखकर गांव में उन्हीं कक्षाओं में पढ़ने वाली 10 और महिलाओं ने समूह बना लिया। फूला देवी के इस समूह ने मिलकर अभी तक 19,000 रुपए बैंक के खाते में जमा कर लिए हैं और साथ ही आपस का लेन देन भी निरंतर जारी है। आज ये सभी महिलाएं आराम से बैंक के सारे कार्य स्वयं करती हैं। ये सभी वो महिलाएं थीं जिन्होंने अपने घर के आंगन के सिवा कुछ नहीं देखा था।
मगर अब ये सभी एक नई दिशा की ओर अग्रसर हैं। आज ये एक जागरूक महिला के रूप में अपना कार्य कर रही हैं। इस समूह की पहली ग्रेडिंग हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। उसके बाद ये बैंक से पैसा लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय करने जा रही हैं, जिसमें ये लोग डेयरी फार्म बनाएंगी ताकि दूध बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। पूरे गांव में ये महिलाएं जागरूकता लाने के लिए भरसक प्रयासरत हैं। ये सब मुमकिन हो पाया इन महिलाओं के योगदान और जिला साक्षरता द्वारा दी गई दिशा से, जिसके कारण आज ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। आप भी किसी भी गांव में बैठे बैठे ही इन महिलाओं की ही तरह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। बस जरूरत है आपको साक्षर होने की और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाने की। तो देखा आपने कि बड़हरिया गांव की महिलाओं ने किस तरह घर के आंगन से निकलकर बाहर कदम रखा। ये महिलाएं न सिर्फ साक्षर हुई बल्कि अपने आप को रोजगार से भी जोड़ रही हैं। लेकिन ये अपने सपनों को हकीकत का जामा तभी पहना सकी जब इन्होंने अपने आप को साक्षरता कक्षाओं से जोड़ा। इन महिलाओं की सफलता का श्रेय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों को भी जाता है, जिसके चलते ही ये लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। हम, आप और हर निरक्षर सफलता के मकाम को हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने आप को जागरूक करने की और साक्षर करने की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपको फिर मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही नव साक्षरों से जो साक्षर होकर नई राहें तलाश रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ऐ दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं। पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें